अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज का व्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं मॉर्निंग से। और जब मेरे हस्बैंड मेरे बेटे को छोड़ने के लिए जाते हैं तो तब वो मेरे लिए लेकर आ जाते हैं जूस। बट आज इस जूस में शुगर बहुत ज़्यादा ऐड कर रखी थी तो मुझसे पिया नहीं जा रहा था। मैं एक लिमिट में ही शुगर का यूज़ करती हूँ, ज़्यादा मीठा मुझे नहीं पसंद है। और ये हम करने लगे थे नाश्ता कुछ देर बाद, और ये मेरे हस्बैंड का नाश्ता हो गया था फिनिश और मैं कुछ कामों में लग गई थी तो मेरा नाश्ता भी रह गया था। और मेरे हस्बैंड को लेट हो रहा था तो वो निकल गए थे साइड पे जाने के लिए और मैंने अपना नाश्ता बाद में किया था फिर। और अब ये मेरे हस्बैंड चले गए हैं और फिर उसके बाद में मैंने काफ़ी सारे घर के क्लीनिंग डस्टिंग वगैरह की और सारे बर्तन वगैरह वॉश कर दिए थे। और उसके बाद में ये मैंने बनाई थी कढ़ी, इसको पकने में 2 घंटे लगे थे, जिसकी रेसिपी मैं इंशाल्लाह कभी फिर आपके साथ शेयर करूंगी। आज मुझे बहुत सारे काम थे इसलिए मैं वीडियो भी ज़्यादा बीच में नहीं बना पाई पूरे दिन में। और मैंने बनाई थी कढ़ी जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर रेडी हुई थी। और ये बनाए थे मैंने चावल, कढ़ी चावल मैंने बनाए थे। और मेरे हस्बैंड के आने में अभी थोड़ा टाइम था तो मैंने कढ़ी पहले ही बनने के लिए रख दी थी। और ये बनाया था मैंने रूह अफ़ज़ा, और ये भी मैंने बना के रख दिया था। आज मैंने दूध वाला दूध ज़्यादा क्वांटिटी में डाला है रूह अफ़ज़े में, तो ये बनाया था। और उसके बाद में हमने खाना खा लिया था, कढ़ी चावल जैसे कि मैंने बनाए थे तो खाना हमारा हो गया था। उसके बाद में बनाने लगी थी पिज़्ज़ा, तो पिज़्ज़ा बेस मेरे हस्बैंड लेकर आए थे तो पहले हमने खाने से हम फारिग हो गए हैं। उसके बाद में मैं बनाने लगी थी पिज़्ज़ा, जो कि मेरे बेटे को चावल कम पसंद है तो उसने नहीं खाया था खाना ठीक से, तो मैं उसके लिए बनाने लगी थी पिज़्ज़ा। और ये 2 बेस लेकर आए थे मेरे हस्बैंड, एक पैकेट में ये 2 बेस ही निकलते हैं। और साइज़ काफ़ी अच्छा था इसका, ज़्यादा छोटा साइज़ नहीं था। और ये बेस को मैंने हल्का सा रिफाइंड ऑयल डाल के नॉनस्टिक पैन में मैं हल्का सा इसे सेकने लगी हूँ। और मुझे इसे डार्क ब्राउन नहीं करना है, मुझे इसे बहुत ही हल्के लो फ्लेम पर इसको मुझे सेकना था। लो फ्लेम पर थोड़ा चीज़ लेट सिक कर रेडी होती है बट जलती नहीं है, कलर उसका ख़राब नहीं होता है, तो इसलिए मैंने फ्लेम बिल्कुल लो करके रखी थी। और उसके बाद में मैं इसको धीरे धीरे सेक रही थी और साथ में इसका सारा सामान तैयार कर रही थी। पिज़्ज़ा का जैसे पिज़्ज़ा पास्ता सॉस होती है, मायोनीज़ होती है, सॉसेस होती हैं, और वेजीज़ में मैंने इसमें 2 चीज़ें ही ऐड की हैं, ओनियन थी और कैप्सिकम, और ये 2 चीज़ें मैंने ऐड की हैं। आपके पास जो भी वेजिटेबल अवेलेबल हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। और टमाटो मुझे पिज़्ज़ा में नहीं अच्छे लगते हैं और इसलिए मैं टमाटो नहीं डालती हूँ, स्किप करती हूँ उन्हें। और ऑलिव भी आप ऐड कर सकते हैं, और भी वेजीज़ आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं जो आपको पसंद हैं या फिर जो आपके पास अवेलेबल हैं। और उसके बाद में मैं सॉसेस अप्लाई करने लगी थी। 1 बेस मेरा हो गया था रेडी सिककर, तो उस पर मैंने सबसे पहले पिज़्ज़ा एंड पास्ता सॉस डाला था और उसको अच्छे से स्प्रेड कर दिया था। और उसके बाद में मैंने डाला था मायोनीज़ और उसको भी मैंने अच्छे से स्प्रेड कर दिया है, और इसको अच्छे से स्प्रेड करने के बाद मुझे इस पे कवर करनी थी कैप्सिकम एंड ऑनियन, या फिर जो भी वेजीज आपके पास अवेलेबल है आप वो डाल सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है ये प्रोसेस अगर बेस आपके पास हैं तो भी, और बेस को बनाना भी ज़्यादा टफ नहीं है, आप घर पे भी बेस बना सकते हैं। बट मेरे हस्बैंड लेकर आ गए थे तो मैंने क्विकली बना दिया। और इसके बाद में मैंने कैप्सिकम डाल दिया है और इधर मैंने दूसरा बेस भी रेडी कर लिया है सेक कर, और मैंने दोनों में से भी किसी भी बेस को ज़्यादा नहीं सेका है, ब्राउन नहीं किया है, लाइट सा मैंने उसको सेका है। और मैं कम ही खाती हूँ पिज़्ज़ा क्योंकि मुझे थोड़ा सा मैदा की चीज़ें मैं अवॉइड कर रही हूँ, मैं मैदा की चीज़ें कम खाती हूँ, बहुत कम। और
इसके बाद मैंने डाल दिया था इसमें ऑनियन जो कि मैंने बारीक चॉप किया है इस बार, और आप चाहें तो हल्का सा इन्हें फ्राई भी कर सकते हैं। पिछली बार मैंने फ्राई करने के बाद ये जो वेजीज हैं इनको हल्का सा ऑयल डाल के फ्राई कर सकते हैं, उसका टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। बट मैं यहाँ पे मिस हो गया मुझसे, मैं भूल गई थी और जल्दी जल्दी में मैंने ऐसे ही बना दिया। बट इसमें भी सीख जाता है, अगर आपके पास ओवन है तो थोड़ा टाइम आप उसमें छोड़ेंगे तो अच्छे से सीख जाता है। और ये मैंने ऊपर से मोज़रेला चीज़ इसमें डाली है, पिज़्ज़ा चीज़ मैंने डाल दिया है ऊपर से ग्रेट करके, और इसको अच्छे से मुझे तवे में या नॉन स्टिक पैन में, कढ़ाई में, जो भी आप लेना चाहते हैं उसमें रख सकते हैं। बट मुझे ऐसे डाउटफुल लगा कि अगर मैं ऐसे रखती हूँ, मुझे थोड़ा टाइम पकाना भी था इसको, तो कच्चा ना रह जाए, नीचे से ज़्यादा ब्राउन हो जाता और ऊपर से कच्चा रह जाता, तो इसलिए मैंने फिर उसके नीचे स्टैंड लगाया था, एक नॉन स्टिक पैन में एक स्टैंड रखा था और उसके ऊपर इस पिज़्ज़ा को मैंने रखा था, और उसके बाद में ये सेकंड वाला पिज़्ज़ा मैं रेडी करने लगी हूँ। और ये मैंने इस पे लगाया है सबसे पहले पिज़्ज़ा एंड पास्ता सॉस, उसके बाद मैंने मायोनीज़ ली है, उसको भी मैंने डाल लिया है अपने अकॉर्डिंगली, आप जो भी आपको ज़्यादा पसंद है कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसको भी मैंने अच्छे से स्प्रेड किया है, और इसके बाद मैं इसमें 2 लेयर देने वाली हूँ चीज़ की, और 1 लेयर मैंने यहाँ पे इसमें ऐड की है, थोड़ा सा ग्रेट किया है मैंने चीज़ को, और उसके बाद मैं अब इसमें वेजीज़ ऐड करूँगी। वेजीज़ मैंने इस पे रख दिया है, वेजीज़ को अच्छे से मुझे इस पे पिज़्ज़ा बेस पर फैला लेना है, और उसके बाद में मैंने डाली थी ऑनियंस, जो कि पिछली बार मैंने ये दोनों वेजीज़ डाली थी बट मैंने हल्का सा इन्हें फ्राई किया था, हल्के से रिफाइंड ऑयल में मैंने इसको फ्राई किया था, बट अब की बार वो चीज़ नहीं हुई है, मैं स्किप कर गई थी वो चीज़, फ्राई नहीं किया था बस मैंने, और बाकी इसका टेस्ट फिर भी काफ़ी अच्छा आ रहा था। और 1 लेयर मैंने फिर से चीज़ की इस पर ग्रेट करी है, और ये भी मैं इस पर डाल दूँगी, इस पर मैंने ज़्यादा चीज़ ऐड किया है, इस पर मैंने 2 लेयर्स दी हैं चीज़ की, और उसके बाद में बस मैंने चीज़ इस पर डाल दिया है। आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ डाल सकते हैं, सिंगल लेयर भी आप रख सकते हैं, बट इस वाले पिज़्ज़ा में मैंने डबल लेयर किया है चीज़ का, और ये भी काफ़ी यम्मी लग रहा था। और एक पिज़्ज़ा जो दूसरा मैंने बनाया था वो सीख चुका है, ऑलमोस्ट हो चुका है वो कंप्लीट, और ये रेडी करके मैंने रख दिया है एक साइड पर, और पहला वाला पिज़्ज़ा हो गया है मेरा रेडी, और उस पर मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने इस पे स्प्रिंकल किया है चिली फ्लेक्स, जो कि मैंने काफ़ी सारा डाला है, और ये बाहर का था, और दूसरे पिज़्ज़ा पे मैंने घर का बना हुआ चिली फ्लेक्स डाला है, और ये चिली फ्लेक्स डालने के बाद डाला था मैंने ओरिगैनो, और थोड़ा सा फिर मैंने ऊपर से केचप डाला है, टमाटो केचप, और ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनकर रेडी हुआ था, काफ़ी यमी लग रहा था। ये देखें कितना प्यारा इसका लुक आया है, लग रहा है ना एकदम कि बाहर से मंगवाया है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। और उसके बाद में मैंने बर्तन वॉश किए थे सारे, जो कि काफ़ी सारे इकट्ठा हो गए थे, और कढ़ी वगैरह मैंने बनाई थी तो उसके बर्तन मैंने वॉश कर दिए थे, और ये दोबारा से बर्तन इकट्ठा हो गए थे, और इन्हें मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी, क्योंकि अभी हमने थोड़ा सा वेजीज वगैरह कट की हैं और खाना वगैरह हमने खाया था, तो इसलिए बर्तन फिर दोबारा से इकट्ठा हो गए थे। इसके बाद मैं गई थी नहाने के लिए, आज मुझे थोड़ा काम था कुछ एक्स्ट्रा, तो वो मैंने वीडियो भी शूट नहीं कर पाई, और ना ही मैंने आज नहाया भी नहीं था, तो अब मैं नहाने के लिए जाऊंगी सारे काम फिनिश करने के बाद, और गर्मी काफ़ी ज़्यादा होने लगी है और मेरे काम फिनिश ही नहीं हो रहे थे, आज बहुत सारे काम किए थे दिन में, और इसीलिए मुझे टाइम नहीं मिल पाया था नहाने का। और मेरा सेकंड वाला पिज़्ज़ा भी बनकर हो गया है रेडी। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।